अपने दर्शकों को नमस्ते प्रणाम सलाम जोहार जय। आज जो हम विषय लेकर गए हैं वो अति आवश्यक है, इसलिए क्योंकि जो क्या क्या बच्चों को हेल्थ सपोर्ट चाहिए तो इसके बाद तो देखिए हेल्प एंड सपोर्ट एट डिफरेंट स्टेज फॉर पर्सन विद एचएस इन हाई सपोर्ट नीड्स। यानी जो हाई सपोर्ट नीड्स वाले बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा देख रेख की जरूरत है, जिनको अति आवश्यक है, अति आवश्यक मास्क एज एन इम्पॉर्टेंट, तो ऐसे बच्चों को हम देख रेख करने के लिए उनको क्या सहयोग और सहायता कर सकते हैं, यानी उस समर्थन आवश्यकताओं वाले जो व्यक्तियों के लिए बच्चों के लिए वही चरणों में सहायता और समर्थन की अवधारणा, जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट स्टेज, डिफरेंट स्टेज क्या क्या हो सकता है उनका। नंबर वन देखिए चाइल्डहुड बचपन अवस्था, चाइल्ड एज इसको बोलते हैं, चाइल्डहुड एज बचपन अवस्था जो 3 से 11 वर्ष की होती है इसको चाइल्ड एज कहते हैं, बचपन अवस्था। इसके बाद दूसरा है एडोलेसेंट एज यानी किशोरा अवस्था, और एडल्ट एज युवा अवस्था जिसको वयस्क अवस्था भी कहते हैं, जो आपका 19 एबव होता है और एडोलेसेंस 9 to 19 ईयर्स होता है। तो देखिए आपको इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि क्या क्या सपोर्ट सहायता चाहिए, हेल्प और सपोर्ट डिफरेंट स्टेज में 1 to 3 स्टेज में जो आपके हाई सपोर्ट वाले बच्चे हैं, यानी उस समय आवश्यकता वालों के लिए क्या क्या आवश्यकता है। तो नंबर वन सबसे पहला है सामुदायिक समर्थन और स्वतंत्र जीवन, सामुदायिक समर्थन और स्वतंत्र जीवन यानी कम्युनिटी सपोर्ट निश्चित रूप से, यानी कहने का अर्थ है स्वयं की देखभाल, घरेलू देखभाल, गतिशीलता आवश्यक और सामाजिक भागीदारी के साथ है। हम कहने का अर्थ है कि आपके समुदाय का भी सहायता आपको मिलना चाहिए, अगर समुदाय आपको निगलेक्ट कर दे कि इसको करने से कोई फायदा नहीं है, अच्छे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे ये बच्चे कुछ नहीं करेगा, इसका मतलब समुदाय आपको निगलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ कहता है कम्युनिटी सपोर्ट बहुत जरूरी है। सेकेंड आवासीय सहायता सेवाएं, यानी ऐसे बच्चे हैं तो इन बच्चों को स्वतंत्र आवास समूह घर संस्थागत सेटिंग में रहने वाले समूह आवासीय व्यवस्था करते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसे बच्चों को कुछ एग्री एक्टिविटी होते हैं जो ऑन टाइम सिखाने तक ज्यादा पहुंच रहे होते हैं, जैसे किसी बच्चे को ब्रश करने का, अब ब्रश करने के लिए बच्चों को शाम को ब्रश करने के सिखाइएगा तो शायद उतना प्रॉम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो आपका ब्रशिंग है मोर पर्सनल एंड प्रॉम्प्टनेस इन अर्ली इन द मॉर्निंग, जब उसको सुबह ब्रश करना सिखाइएगा तो आवासीय व्यवस्था में आवासीय सेटिंग रहेगा तभी तो सुन पाएगा। तो स्टेप इसमें कहता है कि रेजिडेंशियल हमें सेटिंग व्यवस्थाएं में आवासीय व्यवस्था में उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है राहत सेवाएं, राहत सेवाएं का मतलब होता है कि देखभाल करने वाले दिव्यांग लोगों के लिए अथवा दिव्यांग यानी जो देखरेख करने वाला होना चाहिए वो मेल ट्रेंड होना चाहिए, अगर वो ट्रेंड नहीं होगा तो कोई बच्चा की किप्सी आएगा और गिर गया तो इन किप्सी आने पर क्या करना है उनको पता नहीं, वो क्या करेगा कुछ नहीं करेगा, मे बी चाइल्ड है मर सकता है, उसका जो अंदर से वो सलाइवा जो बाहर आता है अगर वो चला जाए मर भी सकता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है अगर टाइम ऑफ प्रिपरेशन तो उसको जानकारी होना चाहिए। कोई सीपी चाहिए और अगर उसको
खाना खिला रहे हैं और आपको यह मालूम ही नहीं कि खाना खिला रहे हो, बच्चा तो सीधे ही लाइन बैठ रहा कितने बच्चों को होता है, तो उसमें क्या होगा कि खाना खिला रहे हैं तो इधर का इधर इधर का इधर चला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि मे भी श्वसन हानि भोजन चल जाए, आप श्वसन भोजन चल जाए आप तो सो जाएंगे कि बच्चा किसी कारण से अस्वस्थता दिखा रहा है, लेकिन क्या होगा ये लोग बोल नहीं पा रहा है, आवाज नहीं निकल रहा है क्योंकि श्वसन हानि में भोजन चल रहा है, क्या होगा आधा घंटा एक घंटा तो ऐसी बच्चों के साथ है। अगर आप वेल ट्रेन प्रोफेशनल वेल ट्रेन कार्य की नहीं रहेंगे तो आप जो करने जा रहे हैं शायद करने के लिए मरने का काम हो जाएगा, समझे, इसलिए दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने के लिए होना बहुत जरूरी है। अगर कम नॉलेज है तो मत स्किल में आएगी, मैं प्रार्थना करता हूँ भाग जोड़ करके जिनको स्किल का कोई जानकारी नहीं है और इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो कुछ भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी क्यों नहीं आप बताइए, खाना खाने में आपको खाना खाने का जानकार होना ऐसा नहीं श्वसन पानी चल भोजन चल। दूसरा अगर आपको क्या बोलते हैं इपलेप्सी आ गया, इपलेप्सी मैनेजमेंट आपको नहीं आता क्या करना है तो बच्चा मर सकता है, बताए तो इसलिए राहत सेनाएं बहुत जरूरी है और शिक्षा रोजगार की सहायता अन्य खूब अपडेट दे रहे हैं, खूब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ रोजगार चाहिए ना, तो रोजगार कैसे होगा कुछ शिक्षित होना चाहिए और कुछ इंप्लानिंग जो जैसा कर सके मान लो उसको जो उसे करना सिखाओ, हो सकता सुधा समय प्लानिंग करना सिखाओ, तो ये सारी चीजें है। इसके बाद संचार समर्थन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, आज के जमाने में देखिए हमारी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ICT बहुत कमजोर है, ये तो आपको सहयोग से भी बना देते हैं, अदरवाइज हम तो मोबाइल रखते हैं सब विषय का सिर्फ बात करते हैं सुनते हैं, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब है कि हमारा IT सेक्टर पूर्ण जीरो बटा जीरो है। आपके जमाने में ऐसा नहीं चलेगा, आपको कुछ मैसेज करना हो आपको कुछ व्हाट्सएप करना हो बहुत सारी चीज़ें उसमें है, हम तो उसकी दरकार नहीं है, तो बहुत जरूरी है कि हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मदद उठाना चाहिए और सामुदायिक पहुँच कम्युनिटी रीच यानी डे केयर सेंटर यानी सहमत ही कि कुछ बच्चे हैं तो डे केयर सेंटर का दीवार आज उसका ताकि वहाँ ट्रेनिंग पाए और चले जाए। इसके साथ ही सूचना और सलाह सेना इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस सर्विस, भाई देखो अगर आपको हम पेपर लेते हैं क्यों लेते हैं देखो जीवन में आता है तो पेपर हम क्यों लेते हैं, हम कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने देश अपने समाज क्या हो रहा है गतिविधि हमारे इसके बारे में, कुछ कुछ चीज़ें हम मोबाइल से ही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमको इस पर ध्यान रखना होगा कि हमारा जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो कितना पॉइंट है कितना फैक्ट है कितना फॉल्स है इस पर भी ध्यान रखना होगा और ये जजमेंट करना हमारा काम है कितना सही है कितना गलत है। तो यह भी जरूरी है कि जो पेशेवर है जो व्यक्ति स्किल के है प्रोफेशनल है तो सहकर्मी समर्थन यानी जो दिव्यांग बच्चा को जानता है उससे भी उसको ट्रेनिंग लाएगी तो ज़्यादा सीखिए और माने समर्थित निर्णय यानी निर्णय ऐसा लीजिए जो बच्चे के अनुरूप हो दिव्यांग बच्चे के अनुरूप हो उसके सहमति के अनुरूप हो, साथ ही साथ सहायता करने वाले जानवर प्रॉपर्टी मैनेजर माने क्या होता है जैसे दृष्टिबाधित लोगों को मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षित कुत्ते होते हैं, तो ये देखिए एक बार सारांश सूक्ष्म में और बता देता हूँ आज का जो वीडियो हम बनाए जो टॉपिक था कि उस समर्थ वाले जो बच्चे हैं यानी हाई सपोर्ट नीड्स जिनको जिस बच्चे को उच्च समर्थन की जरूरत है हाई सपोर्ट यानी उच्च समर्थन की जरूरत है बहुत काफ़ी हो सकता है देख रहे तो उन बच्चों को हम क्या क्या सपोर्ट
आप किस रेट में दे पाएंगे। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया क्या क्या सपोर्ट इन सेल में, और यह भी मैंने क्लियर कर दिया कि ये जो चाइल्डहुड एज है, चाइल्डहुड एज बचपनावस्था है ना, एडोलेसेंट एज एज किशोरा अवस्था है ना, इसके बाद एडल्ट एज युवा अवस्था, याद रखने की चीज है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट एज ऑफ एडल्ट, व्हाट एज ऑफ चाइल्डहुड, व्हाट एज ऑफ एडोलेसेंस। तो इसमें आपको एग्जामिनेशन के लिए कई क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। अभी एक कंट्रोल शॉर्ट फॉर्म एक नंबर देता है HMS, HSN फुल फॉर्म, आप दिक्कत पड़ेगा कि HSN HMS क्या है, तो इसको बोलेंगे हाई सपोर्ट नीड्स, एज फॉर हाई, एज फॉर हाई, एज फॉर हाई, एज फॉर सपोर्ट, एज फॉर नीड्स। तो मैं समझता हूँ इससे आप लोग वाकिफ हो गए, मुझे उनका दिवस मिले होगी, तब तक के लिए जय हिंद।